एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन 2019 राजपथ परेड दिल्ली में चयन हेतु जो कार्यक्रम बालक राम इंटर कॉलेज ग्रेटर नोएडा में 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 11 एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के 1000 कैडेटों ने हिस्सा लिया था, जिसमें एनसीसी गोरखपुर ग्रुप को ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कॉम्पिटिशन के रेड लाइट एरिया लाइट ले आउट बेस्ट कैडेट नेशनल इंटरग्रेशन प्रोग्राम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था, जिसके संबंध में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर जीएस राजपुरोहित पीएचडी ने बताया कि एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन 2019 में प्रतिभाग लेने वाली टीम के सदस्य एवं समस्त कमान अधिकारी एनसीसी अधिकारी स्टाफ अन्य कर्मचारी को गोरखपुर कॉम्पिटिशन के प्रथम पोजिशन गोरखपुर का कर रहा है। इस कॉम्पिटिशन में लगातार संबंधित अधिकारी अन्य कर्मचारी ने प्रतिभाग किया, जिसके चलते कंपटीशन में पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त कर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर गौरवान्वित हुआ, जिसके उपलक्ष्य में सोमवार को मोहद्दीपुर स्थित का स्थानीय होटल में कंपटीशन में भाग लेने वाले समस्त कैडेट और स्टाफ का उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। साथ ही ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर जीएस राजपुरोहित पीएचडी द्वारा कैडेटों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जेसीआई सीमा राय, 44 बटालियन सीओ राकेश यादव और ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर जीएस राजपुरोहित पीएचडी ने कहा, कांदुबे एनोस ब्रदर ऑफिसर पीए स्टाफ एंड कैडेट्स, इट इज रियली ए हिस्टोरिक ओकेजन व्हेन वी गैदर हियर। गोरखपुर एनसीसी ग्रुप हैज कम फर्स्ट इन an inter-group competition which has been recently held. I will now take the light from the moment and I would now request the commander to kindly address you and give him the freedom what he wants to speak his heart to you today. Commander. Jai Hind! जबकि हमें बहुत खुश होना चाहिए और जब कभी दुख आता है तो हमें बहुत दुखी होना चाहिए, ठीक बोल रहा हूं? तो ऐसे रहो कि हमारी आदत है, होता रहता है, हम तो हमेशा के चैंपियन हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, कल थे आज है ना, मेरी आदत में शामिल है, इसलिए बहुत ज्यादा हा होने की जरूरत नहीं है। At the same time, गौरव से सीधा चढ़ा हो जाना चाहिए, गर्व और घमंड ये फर्क मालूम है ना, गर्व होना चाहिए। मुझे बहुत गर्व है कि आप बहुत गौरव, क्योंकि फेल होना स्वाभाविक है, फेल होना हमारे नेचर में शामिल है, तो जब कभी फेल हो जाओ जिंदगी के अंदर तो घबराने की जरूरत नहीं है, खून में शामिल है, हार हमारे खून में शामिल है, सिर्फ हमने ये करना है कि जीतने की आदत बनानी है और जितनी बार गिरो, जितनी बार फेल हो, हर बार उठ करके चलने की जरूरत है। हारा एक्चुअली वो जो मैदान से उठा नहीं, जो मैदान में उठ करके फिर लड़ने लगा वो जीता, वो हमेशा जीता रहे, क्योंकि आदत में शामिल है, गिरना मंजूर है लेकिन गिर के पड़े रहना मंजूर नहीं है, वहां हार नहीं मानना है, हार के बाद खड़े होकर के जीत का अभियान फिर शुरू करना है और वो जीत मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, और जो आपने करके दिखाया वो एक दिन की अचानक मेहनत नहीं है कि आप गए और सितारे बन गए, ऐसा नहीं है, आपने खुद अपने आप में कितनी मेहनत की है याद करो, याद करो कितनी बार आपने बुरा महसूस किया कि यार मैं कर नहीं पाया, देखो मेरे से हो नहीं रहा, ड्रिल में मेरा हाथ टेढ़ा जा रहा है,
हारमोनियम पे उंगली नहीं चल रही है, डांस करने जाता हूं स्टेप बदली हो जाता है, लाइन एरिया के अंदर ये चीज ठीक करनी है, वो चीज ठीक करनी, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, हर एक इंडिविजुअल के साथ हुआ, हर एक पीआई स्टाफ और एनओ जो आपके साथ में बैठे हैं, हर एक जब रात को जाके सोचते थे बैठते थे तो लिस्ट बनती थी, चाहे वो मेंटल लिस्ट बनाए या लिख करके बनाए कि आज की हमारी गलतियां ये थी, कल उनका सुधार करना है। तो ये जो 3-4 महीने से अथक प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का नतीजा है कि आज आप चैंपियन हैं। इसके बाद जो सीईओ और ऑफिसर्स लगे हुए हैं आपके साथ में, इन्होंने बैठ करके किया ही नहीं है। यूनिट्स में जब जब मैं गया हूं, आपसे बात किया है, तो मैंने आपको बताया कि आपसे आपको इनसे बढ़िया सोल्जर्स नहीं मिलेंगे। जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सामने, सीओज बैठे हुए मेरे पास में, इनसे आले दर्जे के सैनिक आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। ये शान है हमारी। और इनके मार्गदर्शक, इनकी निगरानी में, इनके निर्देशन में सफलता तो होनी ही है, ठीक है? Yes, लेकिन याद रखिए, जब भी सफलता मिले 96% मेहनत हमारी है, बाकी 4% किसकी है? 96% मेहनत हम सब की, आप की है, ग्रुप की है, हमारी मतलब हम सब की है। लेकिन पूर्ण सफलता के लिए वो बाकी 4% भी जरूरी है। वो 4% किसके? आपने तो 96 कर लिया ना, आपने और हमने मिलकर के 96% ले लिया, लेकिन 96% में 100% सफलता नहीं मिली, 4% फिर भी रह गए। ऑडियंस कॉन्फिडेंस, गुड लक और गुरु की सरगर्दी। यस, देयर इट इज, नाम बताओ अपना। अगर उसकी मर्जी नहीं हुई ना तो कुछ नहीं होगा, और जो लास्ट के 4% है वो ऊपर वाला भी उसको देता है जिसने 96 पूरे कर लिए। अगर आप 90 पर रुक गए, हार गए ना, तो वो वेट करेगा कि 6% और कर हासिल, जब 96 पूरे हो जाएंगे तो मैं आऊंगा। और आपने पूरी जान लगाई भगवान के, बाकी 4 भी आपने लगाए, उसने 4 और एक्स्ट्रा दे दिया आपको, तो जीत होनी ही होनी। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता ना। तो लेट अस गिव अ राउंड ऑफ क्लैप टू गॉड ऑलमाइटी। आप में से कितने लोगों के टांग टूटी, फ्रैक्चर कितने लोग, किसी को नहीं लगा ना? किसकी मेहरबानी से? तो वहां पे किसी ने तेल नहीं गिराया ऊपर, किसी की मेहरबानी, किसकी मेहरबानी? आप जितना मर्जी बोलो जी, मैं बहुत सावधान था, हमने कहा हमारे खुद भी शुरू कोई नहीं गिरा, किसी का पाव नहीं, गलत दिया, छोड़ेंगे नहीं। और फिर वहां दिल खोल गया, दिल खोल के हर फील्ड के अंदर। ये तो भी अच्छी अच्छी बात है, लल्लो चप्पो वाली बात है।
मेरा नाम जी सी आई सीमा राय है, मैं 15 गर्ल्स बटालियन में पोस्टेड हूँ और मैं मेरी जिम्मेदारी टीम में गर्ल्स की थी। मेरे पास 24 लड़कियाँ थीं और पूरी टीम की सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर लाइन एरिया तक के प्रतियोगिताओं में मेरी भूमिका रही है। कि राज्य स्तरीय NCC संस्था की अपनी राज्य स्तरीय अंतर मुख्यालय प्रतियोगिता थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के 9 प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें सभी बच्चे सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स कैडेट मिलकर टीम इवेंट्स का परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें 11 ग्रुप तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए कैडेट्स मिलकर प्रतियोगिता करते हैं। जिन प्रतिस्पर्धाओं में गोरखपुर ग्रुप ने अव्वल दर्जे की मुकाम हासिल किया है और आज हम स्थिति ये है कि हम उत्तर प्रदेश में चैंपियन NCC ग्रुप के नाम से जाने जा रहे हैं और ये उपलब्धि का पूरा श्रेय हमारी पूरी टीम और NCC कैडेट्स को जाता है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। पूरे पश्चिमांचल पर हमारा गोरखपुर, हमारा पूर्वांचल भारी पड़ा है और हम एक भारी विजय के साथ अपनी टीम को लेकर वापस आए हैं। मेहनत तो सर बच्चे 3.5-4 महीने से लगातार कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद बच्चों ने जो हौसला दिखाया, जो अपना जोश का जो लेवल इन्होंने हाई किया, उसके हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पूर्वांचल, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे पिछले तबके को, जिसको पूरे प्रदेश में लोग बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, उसके बाद भी हमारे पूर्वांचल के बच्चों ने, हमारे छोटे घरों से आए बच्चों ने हौसला अफजाई जिनकी पूरी टीम ने मिलकर किया, इन्होंने वहाँ जाकर एक अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया। मेरा नाम मैं कर्नल राकेश यादव हूँ और मैं CO 44 NCC बटालियन गोरखपुर में तैनात हूँ इस वक्त। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि ये हम सब लोग के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का मौका है। ये पहली बार है कि NCC गोरखपुर जो ग्रुप है वो पहली बार प्रथम आया है और इसके अंदर जो है तमाम लोगों की मेहनत है, ग्रुप कमांडर साहब की मेहनत है, हमारे डिप्टी साहब हैं कर्नल उमंग त्रिहान हैं, उसके अलावा कर्नल दुबे, कर्नल ट्रेनिंग ऑफिसर, कर्नल राकेश कोल, तमाम ऑफिसर्स हैं, ना कि ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा PI स्टाफ है, ANOs हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत है वो इन्होंने कैडेट्स ने की है। इसके तो असली चैम्पियनशिप के हकदार वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कड़ी मेहनत की और इतना टफ कॉम्पिटिशन के बाद भी जो है उन्होंने अच्छे से अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से आज हम विजेता हैं। आई एम श्योर कि यू ऑल आर अवेयर कि ये जो कंपटीशन है NCC का पूरे UP के लेवल पर है, यानी NCC डायरेक्टरेट लखनऊ पूरे NCC के जो 125,000 कैडेट्स हैं, 11 अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन सब का आपस में कंपटीशन होता है बहुत सारे टीम इवेंट्स का, जैसे ड्रिल है, कल्चरल प्रोग्राम है, लाइन एरिया है, फ्लैग एरिया है, तो बेस्ट कैडेट का कंपटीशन है और इनमें से बच्चे सेलेक्ट होकर के फिर नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे कि अगले साल जो रिपब्लिक डे परेड होगा उसके लिए बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इसमें यूपी के लेवल के 11 ग्रुप्स थे, हर ग्रुप से बच्चों की टीम गई थी और इन कैडेट्स का आपस में जो कॉम्पिटिशन हुआ, इन 11 ग्रुप्स में से गोरखपुर अपने आप में आले दर्जे पर रहा, चैंपियंस बने। 3 ऐसे इवेंट्स थे जिनमें कि हम आउटराइट चैंपियंस थे और बाकी इवेंट्स में हम 2nd-4th जगह पर थे। कोल ओवरऑल मिलाकर के गोरखपुर ग्रुप ने अपने आप में पहली बार ये बिल्कुल वंडरफुल काम किया है, एक्सेलेंट। देखिए, बच्चों के साथ में, कैडेट्स के साथ में तो हम साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब इस किस्म के कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो हम अपना गोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग शुरू करते हैं, चाहे फायरिंग कॉम्पिटिशन आ रहा है, ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन आ रहा है, इसी तरह इसको इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन बोलते हैं, IGC कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर कि जैसे मैंने बताया 6 अलग अलग इवेंट्स के अंदर कॉम्पिटिशन होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि जब यूनिट्स का एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है तो उसमें बच्चों का सिलेक्शन, उन बच्चों को सेलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके इनको कंबाइंड ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर फर्दर सिलेक्शन किया जाता है और एक बार जब टीम्स बन जाती हैं फिर उनको फोकस्ड अप्रोच के साथ में उसके लिए तैयारी किया जाता है। जोश आपने बच्चों में देख ही लिया है, दीज कैडेट्स आर आउटस्टैंडिंग सिटीजन्स ऑफ द नेशन एंड मुझे बहुत फ़ख्र है कि इस बार गोरखपुर टीम में, जिसको कि कमज़ोर टीम समझा जाता था, उसने उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, इन जैसी स्ट्रॉन्ग टीम्स को ज़बरदस्त मात दिया है और मुझे बहुत फ़ख्र है, बहुत गर्व है इन बच्चों पर।